प्रश्न नंबर एक, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर भूमध्य रेखा की सही लंबाई सर्वप्रथम किसने ज्ञात की? उत्तर, इरेटोस्तनीज ने। प्रश्न नंबर दो, मानचित्र में सर्वप्रथम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग किसने किया था? उत्तर, इरेटोस्तनीज ने मानचित्र में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर तीन, पृथ्वी की आकृति गोल है, सर्वप्रथम किसने बताया था? उत्तर, पृथ्वी की आकृति गोल है, सर्वप्रथम पाइथागोरस ने बताया था। प्रश्न नंबर चार, कोई भी ग्रह दीर्घ वृत्तीय अवस्था में घूमता है, सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया? उत्तर, केपलर ने। प्रश्न नंबर पाँच, तहकीके हिंद किसकी पुस्तक है? उत्तर, तहकीके हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। प्रश्न नंबर पाँच, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? उत्तर, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। प्रश्न नंबर आठ, किसने कहा था प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है? उत्तर, विडाल्डी लाब्लाश। प्रश्न नंबर सात, नवनिश्चयवाद की ओ संभववाद की संज्ञा किसने दी? उत्तर, एच जे स्टेप ने। प्रश्न नंबर आठ, नील नदी को मिस्र का वरदान किसने कहा था? उत्तर, हेरोडोटस ने। प्रश्न नौ, सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किस भूगोलवेत्ता ने किया था? उत्तर, हेरोडोटस ने। प्रश्न दस, अरब जगत का मार्को पोलो किसे कहा जाता है? उत्तर, अरब जगत का मार्को पोलो इब्न बतूता को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, सामान्य भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर, वारेनियस ने लिखी। प्रश्न नंबर 12, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? उत्तर, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। प्रश्न नंबर 13, किसने सर्वप्रथम समुद्र मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण किया था? उत्तर, मैगलेन ने 1519-20 में। प्रश्न नंबर 14, आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? उत्तर, आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट तथा रिटर को माना जाता है। प्रश्न 15, अर्धकुंडे नामक ग्रंथ किसने लिखा? उत्तर, अर्धकुंडे नामक ग्रंथ रिटर ने लिखा। प्रश्न नंबर 16, बालकर कुंडे नामक ग्रंथ किसने लिखा? उत्तर, रेडजेल ने। प्रश्न नंबर 17, रेडजेल ने किस ग्रंथ में राज्य की तुलना जीव से की है? उत्तर, पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल में। प्रश्न नंबर 18, किस भूगोलवेत्ता को दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है? उत्तर, इमैनुअल डी कांट को दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, लेविंस रॉम विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर, रेडजेल ने लेविंस रॉम विचारधारा का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 20, रिटर का ग्रंथ अर्धकुंडे कितने खंडों में विभाजित है? उत्तर, 19 खंडों में विभाजित है अर्धकुंडे रिटर का ग्रंथ।